पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से आज इस तरह से आज का दिन बड़ा ही दुख का दिन है। 40-20 जवानों को हमने खोया था। रविंद्र राणा जी क्या कहेंगे आज के दिन, क्या कहेंगे सर? आज के दिन एक काला दिन माना जाता है कि हमने अपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खोया था। देश का नुकसान है, देश के लोगों का नुकसान है। क्या कहेंगे सर आज? टियर गैस वहाँ पर फेंकी गई क्या? भारतीय सेना के जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है अपने अमर वीर बलिदानियों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। देश नमन करता है अपने उन वीर बलिदानियों के लिए जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जो मातृभूमि पर बलिदान हो गए, पूरा देश अपने वीरों को नमन करता है। ये देश सदैव अपने वीर बलिदानियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने अपना सब कुछ इस मादरे वतन पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने उन वीरों के सदैव कर्जदार रहेंगे जिन्होंने इस मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज के दिन अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे आज यहाँ भव्य मंदिर? चूंकि यहाँ आज कारगिल के वीर, पुलवामा के वीर शहीदों की याद में एक यहाँ श्रद्धांजलि और एक उनको ट्रिब्यूट वीरों को पेश किया जाना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ जो हमने 40 वीर योद्धा खोए उनके परिवारों को आज क्या कहेंगे सर? पूरा देश उन वीरों, उन वीर बलिदानियों, उन योद्धाओं का हमेशा कर्जदार रहेगा जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? क्या किसानों की मांग पूरी होगी? किस तरीके से देखते हैं किसान इस समय सड़कों पर है? ये थे रविंदर रैना जिन्होंने कहा। और वाकई आज का दिन वो काला दिन था जब इन कायर आतंकियों ने घात लगाकर यानी एम्बुश लगाकर हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को हमसे दूर किया था। यानी कि देश का नुकसान, देश के देशवासियों का नुकसान, देश ताउमर उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। और हर दिन, आज के दिन बल्कि हर दिन उन वीर योद्धाओं को याद करना चाहिए, दिल से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और ये जरूर कहेंगे पूरा देश यानी 140 करोड़ जनता जो है उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों के वो शूरवीर थे। और ये जरूर कहेंगे एक तरफ लोग जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ये जरूर कहेंगे कि अगर जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं वो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। आज का दिन हर एक के लिए वो काला दिन था जब ये खबर आई थी कि हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खो दिया। उन कायर आतंकियों ने, उन बुजदिल आतंकियों ने किस तरह से पीठ पीछे वार किया, वो समय आज भी आंखों के सामने जब आता है तो दिल दहल जाता है, पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सिर्फ उस परिवारों का नुकसान नहीं था बल्कि पूरे देश का नुकसान था, देश की सेना का नुकसान था, देशवासियों का नुकसान था। तो ये जरूर कहेंगे पूरे देश जो है उनकी इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा, उनका ऋणी रहेगा। और ज़रूर हम कहेंगे, ये बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि लोग जो खुशियां मना रहे हैं आज के दिन वैलेंटाइन डे की, उस दृश्य को याद कीजिए, उस दर्दनाक वो जो घटना हुई थी उसे याद कीजिए, जिन माओं के वो बेटे थे, जिन परिवारों के वो ताज थे, जिन परिवारों का वो चिराग थे और जिस देश की वो शान थे। क्या लगता है आज के दिन वैलेंटाइन बनाना जरूरी है या उन वीर योद्धाओं को याद करना जरूरी है? ये हम जनता पर सवाल छोड़े जाते हैं। जो भी सच्चा देशभक्त है वो वैलेंटाइन के बजाय अपने उन देशवासियों, देश योद्धाओं, वीर योद्धाओं को जिन्हें अपने प्राणों की हंसते हंसते बलिदान दे दिया, आहुति दे दिया, उन्हें याद करने में ही ये समझेगा कि सच्ची देशभक्ति वही है, ना कि वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए।
हम ये नहीं कहते आप मनाइए, आपकी व्यक्तिगत राय हर जनता की, अपना मन है उनका, पर ये जरूर कहेंगे जो देश के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं, उनकी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, उनकी इस कुर्बानी को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम दिल से श्रद्धांजलि और सल्यूट अर्पित करते हैं अपने हर एक उस वीर योद्धा को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत।